नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बन चुका है। पेपर लीक कांड को लेकर बिहार में जांच चल रही है। मामले में लिप्त कई आरोपियों से पूछताछ की गई है। जांच के दौरान लगातार कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। आज बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने इस मामले में पूछताछ के लिए 5 संदिग्ध अभ्यर्थियों और अभिभावकों को बुलाया था। वहीं मंगलवार को भी कुछ आरोपियों से पूछताछ हुए हैं, जिसमें कई हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। इस दौरान पता चला है कि आरोपी जिस होटल में ठहरे थे, वहां के रजिस्टर में एक आरोपी ने अपने नाम के आगे मंत्री जी लिखवाया था। इस कांड में कई अभ्यर्थी जेल भेजे गए हैं। उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट निकलवा कर नीट अभ्यर्थियों को इसे रटवाना शुरू कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस कांड में गिरफ्तार हुआ दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु ने 4 मई को अपने साले की पत्नी रीना कुमारी और उसके बेटे को दोपहर के 12:40 के करीब में NHAI की गेस्ट हाउस में ठहराया था। रीना कुमारी का बेटा नीट की परीक्षा में शामिल होने वाला था। इसके साथ 2 और अभ्यर्थी ठहरे थे। होटल में एंट्री के दौरान जब रीना कुमारी का नाम रजिस्टर्ड में लिखा गया तो इनके नाम के बगल में लेटर नंबर 440 और मंत्री जी लिखा हुआ था। अब ये मंत्री जी कौन है, ये सभी के बीच चर्चा का विषय है। इस मामले को लेकर EOU जांच में लगी है। वहीं दूसरी तरफ अभी 2-3 दिन पहले ही शिक्षक बहाली परीक्षा के माफिया डॉक्टर शिव, अमित आनंद, नीतीश सहित 10 माफियाओं से EOU ने पूछताछ की है। अब इस पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि शिक्षक बहाली पेपर लीक और नीट पेपर लीक को एक ही गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया था। अब तक तो नीट पेपर लीक कांड में मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर शिव के पिता संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। संजीव मुखिया की तलाश ली जा रही है। इसके लिए कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है। हालांकि EOU के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मामले में मंत्री जी कौन है, किस मंत्री जी के कहने पर ये कमरा बुक करवाया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि यदि सिस्टम में 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मामले में NTA के भी टालने वाला रवैया देखने को मिल रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के मांग करने के बाद भी NTA ने 28 दिनों के बाद भी लीक हुए प्रश्न पत्र की मूल प्रति नहीं भेजी है। NTA के इस रवैये को देखते हुए EOU की जांच टीम ने फैसला लिया है कि वे खुद ही दिल्ली जाकर पेपर का मिलान करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।